प्रादेशिक मंडी हड़ताल स्थगित 11 अक्टूबर से हुई हड़ताल 18 अक्टूबर तक को स्थगित कर दी गई है। सांसद गजेंद्र पटेल ने मीटिंग में आगामी दिनों में मंडी टैक्स कम करवाने का आश्वासन देकर कहा कि किसानों की कठिनाइयों और आगामी दीपावली त्योहार को दृष्टिगत रखते हुए अपनी हड़ताल स्थगित कर दी और मध्यांचल एसोसिएशन के अध्यक्ष विनोद जैन ने सभी व्यापारियों को हड़ताल स्थगित करने की बात रखी और आज पूरे प्रदेश की मंडी में कपास खरीदी प्रारंभ की जा रही। मेरे चैम्बर में हमारे बड़वानी जिले के मंडी एसोसिएशन के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, अंजड़ से भी हैं और खेती सेनवा बलवाड़ी से भी बुलाए हैं और मुझे अभी जानकारी दी गई है कि इनके द्वारा आज हड़ताल स्थगित कर दी है क्योंकि किसानों का त्यौहार का समय है, दिवाली आ रही है और ये हड़ताल लंबी खींचना मतलब ना तो व्यापारियों के लिए हितकर था और ना ही किसानों के लिए हितकर था। मुझे बेहद खुशी है कि आज जो एसोसिएशन के लोग हैं उन्होंने हड़ताल समाप्त कर दी है। उम्मीद करता हूँ कि इस तरह से किसान का हित देखते हुए व्यापारी काम करें और उनका दिवाली का त्यौहार भी अच्छा मने, साथ साथ ही उनके जो भाव वगैरह उनको उचित मिले, उनको कोई समस्या ना आए। मैं इसके लिए सभी व्यापारी एसोसिएशन के लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं ये भी आग्रह करूँगा कि चूँकि अभी दिवाली बहुत पास में है तो आज से ही ये किसानों का माल खरीदना चालू कर दें। आज सुबह की नीलामी जो मंडी में होती है, आज लोग सुबह नहीं आएंगे तो 3 बजे से मंडी प्रारंभ करने के लिए, और किसानों को मैं इस आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो किसान आज भी माल बेचना चाहते हैं तो वो संबंध मंडी में 3 बजे तक जाएँ, 3 बजे से नीलामी उसकी करा दी जाएगी। थैंक यू।